हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के ऊपर, जिसमें कि कहा गया है पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए पिता को कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पारिवारिक कर्ज को चुकाने के लिए या फिर दूसरी कानूनी ज़रूरतों के लिए अगर परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति को बेचता है तो बेटे को या फिर उसके दूसरे हिस्सेदारों को उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं क्या है ये मामला। शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। पैतृक संपत्ति को बेचने से पिता को नहीं रोका जा सकता, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 54 साल पहले दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार ये सिद्ध हो गया कि पिता ने कानूनी ज़रूरतों के लिए प्रॉपर्टी को बेचा है तो उसके हिस्सेदार अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ये मामला बेटे ने अपने पिता के खिलाफ 1964 में दायर किया था। मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने तक पिता और बेटे दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस मामले को जारी रखा था। जस्टिस A.M. सप्रे और S.K. कोल की पीठ ने ये फैसला देते हुए कहा कि हिंदू कानून के आर्टिकल 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचे जाने के प्रोविज़न दिए गए हैं। इस मामले के अंदर जो प्रीतम सिंह थे उनके परिवार के ऊपर दो कर्ज थे और वहीं पर उन्हें खेती की ज़मीन को सुधार करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये फैसला दिया कि प्रीतम सिंह जो परिवार के मुखिया थे, मुखिया होने के कारण उन्हें पूरा अधिकार था कि वो कर्ज को चुकाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। आर्टिकल 254 क्लॉज 2 में ये प्रोविज़न है कि जो कर्ता है वो अचल या फिर चल संपत्ति जो कि पैतृक हो उसको बेच सकता है, और यहाँ तक कि वो बेटे या बेटियों के हिस्से को भी कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है। लेकिन ये कर्ज पैतृक होना चाहिए, उसका अपना पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ अनैतिक कार्य करने के लिए या अवैध काम करने के लिए ये कर्ज बनाया गया हो, तो ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति को एक कर्ता नहीं बेच सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पारिवारिक बिजनेस होता है या फिर दूसरी जो कानूनी ज़रूरतें होती हैं ये उनके तहत आता है। इस मामले में प्रीतम सिंह ने 1962 में लुधियाना तहसील में अपनी 164 केनाल ज़मीन दो व्यक्तियों को 19,500 रुपये में बेच दी थी। इस फैसले को उनके बेटे कहर सिंह ने अदालत में चुनौती दे दी और कहा कि पैतृक संपत्ति को पिता नहीं बेच सकते क्योंकि वो उनके हिस्सेदार हैं। क्योंकि उनके बेटे भी उस ज़मीन के हिस्सेदार हैं, इसलिए उनकी अनुमति के बिना पिता उनकी ज़मीन को नहीं बेच सकता। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला पुत्र के पक्ष में दिया था और बिक्री को रद्द कर दिया था। फिर ये मामला अपील कोर्ट में आया और उसने देखा कि कर्ज चुकाने के लिए ज़मीन बेची गई थी, तो अपील कोर्ट ने फैसला को पलट दिया। मामला हाई कोर्ट में गया जहां पर 2006 में ये फैसला बरकरार रखा गया। फिर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी इस मामले में वही फैसला रखा और कहा कि कानूनी ज़रूरत के लिए कर्ता ज़मीन को बेच सकता है। चलिए जानते हैं कि पैतृक संपत्ति को किन किन कामों के लिए बेचा जा सकता है। पैतृक संपत्ति पैतृक कर्ज को चुकाने के लिए बेची जा सकती है। संपत्ति पर सरकारी देनदारी के लिए भी बेची जा सकती है। परिवार के हिस्सेदारों और उनके परिवारों के सदस्यों का जो भरण पोषण है उसके भरण पोषण के लिए भी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। बेटे के शादी के लिए या बेटियों की शादी के लिए भी ऐसी संपत्ति को बेच सकते हैं। परिवार के समारोह या फिर अंतिम संस्कार के लिए, संपत्ति पर चल रहे कोई मुकदमे के खर्च उठाने के लिए, या फिर संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा हो और उसके बचाव के लिए ऐसी संपत्ति को बेचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि एक पिता किस तरह से अपनी पैतृक संपत्ति को बिना किसी से इजाज़त लिए बेच सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपकी मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।